गिरो आवाज आ रही। चलो नमस्कार, अब मैं सिंगू बॉर्डर से बोल रहा हूँ। सार्वजनिक जीवन भी ऐसा है कि अवसाद का भी वक्त नहीं देता। अभी बस 24 घंटे पहले की बात है कि मैं पिताजी की चिता को अग्नि दे रहा था और 24 घंटे बाद मैं पहले शाहजहांपुर बॉर्डर गया। आज सुबह वहां गांव में मनेठी गांव उसके नजदीक है, वहां सभा हुई, शाहजहांपुर में गया और फिर यहाँ सिंगू बॉर्डर में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी किसान संगठनों की, वो अटेंड की। किसान संगठनों की बैठक के बाद जो 7 मेंबरी कमेटी है जो पूरे देश के आंदोलन में समन्वय का काम कर रही है, कोऑर्डिनेशन का काम कर रही है, उसकी मीटिंग थी, वो भी काफी समय से नहीं हुई थी। वो मीटिंग सब करके अब वापस गांव की तरफ, क्योंकि कल परसों पिताजी को याद करने का। आज सुबह जब पिताजी के बारे में बात की, आप में से बहुत लोगों ने उसे सुना, देखा, टिप्पणी की, सराहा, सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। और एक बात की क्षमा मांगना चाहता हूं कि आज सुबह अपने व्यक्तिगत अवसाद, दुख और याद में इतना डूब गया कि आपको बताना भूल गया कि आज किसान दिवस है, 23 दिसंबर किसान दिवस है। और किसान दिवस क्यों मनाया जाता है हम भूल जाते हैं, चौधरी चरण सिंह की स्मृति में। आज की पीढ़ी में तो बताना पड़ेगा चौधरी चरण सिंह कौन थे, क्या थे, और ज्यादा से ज्यादा लोग कह देंगे देश के उप प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो उनका परिचय नहीं है। हमारे देश में एक मामला है कि या तो व्यक्ति को उसकी कुर्सी पे रिड्यूस कर दिया जाता है या उसकी जाति पे रिड्यूस कर दिया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर के लिए ज्यादा से ज्यादा हम कहते हैं कि संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे या दलित समाज के नेता थे, तो देश के इतने बड़े नेता थे ये हम नहीं कहते। इसी तरह चौधरी चरण सिंह के बारे में बस उन्हें किसी एक इलाके, जाति से जोड़ के एक समाज के नेता की तरह पेश किया जाता है, कभी कभी किसान नेता की तरह लोग कह लेते हैं, लेकिन देश के किसान के लिए एक अलग दृष्टि रखने वाले नेता के रूप में हम चौधरी चरण सिंह को याद नहीं रखते। मुझे याद है बहुत उन जमानों में राजनीति इतनी तड़क भड़क का काम नहीं होती थी, मुझे मौका मिला था चौधरी चरण सिंह को देखने का एक मीटिंग के अंदर, हमारे शहर गंगानगर में आए थे, बहुत बड़ी मीटिंग थी। और चौधरी चरण सिंह ने शुरू में ही कहा, मतलब मीटिंग के शुरू में, अपनी स्पीच के शुरू में, कोई लच्छेदार बात नहीं, कोई ये सब नहीं, कहा देखो जो लोग यहाँ पे शक्ल देखने के लिए आए हैं ना वो लोग चले जाओ, जिसने मेरी बात सुननी है आ जाओ, बैठ जाओ, नहीं तो जाओ यहां से। शुरू में मीटिंग में ये कहा। उसके बाद 1 घंटा भारत की कृषि और खेती, किसान की परिस्थिति के बारे में भाषण दिया, बिल्कुल जैसे एक प्रोफेसर का भाषण होता है, एक एक्सपर्ट का भाषण होता है, विद्वान का भाषण होता है, उस तरह चौधरी चरण सिंह के बारे में भूल जाते हैं लोग कि वो एक लेखक भी थे, नेता थे, किसान नेता थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, देश की किसान राजनीति को शुरू करने वाले स्वतंत्र भारत के लोगों में से एक थे, लेकिन लेखक भी। और जिस समय भारत में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में औद्योगीकरण की नीतियां चल रही थी, आधुनिक भारत को इंग्लैंड अमेरिका की तर्ज पे चलाने की नीतियां चल रही थी, उस वक्त वो चंद लोग जो कि खड़ा होकर विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं, भारत में आप कृषि को नजरअंदाज करके इस देश को नहीं बना सकते, भारत का विकास उद्योगों को सेंटर में रख के, इंडस्ट्रीज को सेंटर में रख के नहीं होगा, कृषि को सेंटर में रख के होगा। चौधरी चरण सिंह ने कई किताबें लिखी, इंडियन इकोनॉमी, गांधीयन ब्लूप्रिंट मेरे लिए एक बहुत प्रिय किताब थी, मेरे पिताजी को भी काफी शौक था, उन्होंने मुझे दरअसल चौधरी चरण सिंह से परिचय करवाया। तो चौधरी साहब की किताबें सिर्फ किसान के लिए नहीं, पूरी भारत की अर्थव्यवस्था का क्या अलग खाका होना चाहिए, वो नहीं जो भारत कर रहा था, वो खाका जो होना चाहिए वो चौधरी चरण सिंह ने पेश किया था। उस बड़े नेता को, उस दृष्टा को आज नमन करने का दिन है। आप सबसे अनुरोध करूंगा, थोड़ा कोशिश करके कुछ पढ़िएगा चौधरी साहब के बारे में। वो लोग भी जब जो आज सिर्फ एक जाति विशेष का नाम लेके चौधरी साहब को याद करते हैं, उनसे भी सलाम करूंगा, भाई उस आदमी को थोड़ा पढ़ भी लिया करो, उसने क्या कहा।
आज की बातचीत में महत्वपूर्ण बात जो आपको बताना चाहता हूं वो सरकार को जवाब के बारे में। जैसे मैंने बताया आज दोपहर बाद हमारी बैठक हुई सभी संगठनों की। जैसा मीडिया में आया 20 तारीख को सरकार की तरफ से एक और चिट्ठी आ गई। अब वो चिट्ठी क्या कहती है, सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं जो चिट्ठी लिख रहे हैं सरकार की तरफ से। चिट्ठी कहती है मोटे तौर पे कि देखिए अब आप हमसे बात तो कीजिए ना प्लीज, किसान संगठनों को अपील है। और वो कहते हैं हमने तो हर बार बिल्कुल शुरुआत से आपसे बात करने की कोशिश की है, अक्टूबर में हमने बात की, उसके बाद बात की, हमने 3 तारीख को बुलाना था उसके बजाय 1 को बुलाया। और इशारतन कहती है कि देखिए आप ही लोग अड़े हुए हैं, आप लोग सुनते नहीं हैं, आप लोग हमारी बात को मानते नहीं हैं, हमने तो आपकी बातें भी मान ली, आपने संशोधन बताए हमने स्वीकार कर लिए, फिर भी देखिए आप मान नहीं रहे, आप जिद पे अड़े हुए हैं, इत्यादि इत्यादि लंबी सी कहानी है। कुल मिला के वो चिट्ठी किसानों के लिए लिखी नहीं गई है, चिट्ठी मीडिया के लिए लिखी गई है ताकि मीडिया कहे अरे ये किसान लोग बात क्यों नहीं करते, किसान लोग अड़े क्यों हुए हैं, किसान लोग जिद्दी क्यों हैं, किसान लोग वार्ता में रुचि क्यों नहीं रखते। इस चिट्ठी का उद्देश्य केवल मीडिया में ये इंप्रेशन देना है कि किसान लोग बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं। और चिट्ठी आखिर में कहती है आप बताइए आप कब बातचीत करना चाहते हैं, जैसे बातचीत सिर्फ इसलिए रुकी हुई हो कि किसानों ने कहा है कि हम बातचीत पे नहीं आना चाहते, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आज हमारी बैठक हुई, कल पंजाब के संगठनों की बैठक हुई थी काफी लंबी, उन्होंने इस पे चर्चा विचार किया था, आज हमारी बैठक हुई और उस बैठक के बाद हमने सर्वसम्मति से जो चिट्ठी सरकार के नाम ड्राफ्ट की वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मीडिया में आधी आएगी आधी नहीं आएगी, उसकी कुछ इंटरप्रिटेशन अलग हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो आपको मूल चिट्ठी पता होनी चाहिए हमने क्या लिखा। चिट्ठी का विषय है संयुक्त किसान मोर्चा की भारत सरकार के 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए चल रही वार्ता बाबत। तो विषय स्पष्ट कर देता है कि हम निरस्ती चाहते हैं, हम और कुछ नहीं चाहते। चिट्ठी कहती है यह आपके 20 दिसंबर के उस पत्र के जवाब में है जो क्रांतिकारी किसान यूनियन के पंजाब के श्री दर्शन पाल को संबोधित है, जिसमें सरकार के साथ बातचीत में शामिल हो रहे 39 अन्य साथियों को कॉपी किया गया। चिट्ठी कहती है हमें अफसोस है कि इस पत्र में आपने पूछा, क्योंकि पत्र कहता है बड़ा इशारतन बड़े शरारत करते हैं सरकार के अफसर अपने चिट्ठी में। पिछली चिट्ठी जो 16 तारीख को दर्शन पाल जी के नाम से गई थी सिग्नेचर से, वो कहते हैं हमें पता नहीं ये आपका विचार है कि बाकी संगठनों का भी विचार है, जबकि वो चिट्ठी लिखने के बाद सभी संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने खारिज कर दिया। उसके बाद सरकार पूछती है पता नहीं दर्शन पाल जी आपका व्यक्तिगत ओपिनियन है या कि बाकी संगठन सहमत है, हमें तो इसका भी नहीं पता। तो पहला पैराग्राफ उसके बारे में है हमें अफसोस है कि इस पत्र में आपने पूछा है कि हमारा पिछला पत्र केवल एक व्यक्ति का मत है या कि सभी संगठनों का यही विचार है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि डॉक्टर दर्शन पाल जी के नाम से भेजा गया संयुक्त किसान मोर्चा का पिछला पत्र और ये वाला पत्र इस आंदोलन में शामिल सभी संगठनों द्वारा लोकतांत्रिक चर्चा के बाद सर्वसम्मति से बनी राय है, इसके बारे में सवाल उठाना सरकार का काम नहीं है। कौन होती है सरकार ये कहने वाली, शरारत है, तोड़ने की कोशिश है, फूट डालने की कोशिश है, उसको साफ जवाब पहले पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ उस चीज को जवाब है जो सरकार कह रही है, अरे हम तो बातचीत में इंटरेस्टेड है पहले दिन से है, देखिए ना आप ही लोग बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं है। उसको जवाब देता है हमें बहुत दुख के साथ भी कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार के अन्य प्रयासों की तरह आपका यह पत्र भी किसान आंदोलन को नित नए तरीकों से बदनाम करने का प्रयास है। यह किसी से छुपा नहीं है कि भारत सरकार पूरे देश के किसानों के शांतिपूर्ण जमीनी और कानून सम्मत संघर्ष को अलगाववादियों और चरमपंथियों के रूप में पेश करने, सांप्रदायवादी और क्षेत्रीय रंग में रंगने और बेतुका व तर्कहीन शक्ल में चित्रित करने की कोशिश कर रही है। सच ये है कि किसानों ने साफ गोई से वार्ता की है, बिल्कुल ईमानदारी से किसानों ने की है, भाई यस या नो में हमें जवाब चाहिए, हमें रिपील चाहिए, रद्द करवाना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से इस वार्ता में तिकड़म और चालाकी का सहारा लिया गया है, बिल्कुल साफ बात कही है। इसके अलावा सरकार तथाकथित किसान नेताओं और ऐसे कागजी संगठनों के साथ समानांतर वार्ता आयोजित कर इस आंदोलन को तोड़ने का कोशिश कर रही है जिसका इस चल रहे आंदोलन से कोई संबंध ही नहीं है।
जिन लोगों ने आंदोलन किया नहीं वो कह रहे हैं मैं सरकार से संतुष्ट हूं, आंदोलन को वापस कर रहा हूं। भाई साहब आप थे कहां पे? आप प्रदर्शनकारी किसानों से ऐसे निपट रहे हैं मानो वे भारत के संकटग्रस्त नागरिकों का समूह ना होकर सरकार के राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। ऐसे किसान से आप बात कर रहे हो? सरकार का यह रवैया किसानों को अपने अस्तित्व की रक्षा की खातिर अपना विरोध प्रदर्शन और तेज करने के लिए मजबूर कर रहा। किसान के पास और कोई रास्ता नहीं है, अब तो हमें इसको और तेज करना होगा, इस आंदोलन को शांतिपूर्वक और लोकतांत्रिक तरीके से। फिर उसके बाद सरकार को जवाब है। सरकार ने कहा था कि आप अपना तर्क तो बताइए। सरकार कहती है हमें तो अभी पता नहीं लगा, आपने हमारी चिट्ठी का डिटेल्ड रेस्पॉन्स तो अभी दिया ही नहीं है। तो उसके जवाब में कहते हैं हम हैरान हैं कि सरकार अब भी इन तीन कानूनों को निरस्त करने के हमारे तर्क समझ नहीं पा रही है। किसानों के प्रतिनिधि ने तीन केंद्रीय कृषि अधिनियमों की को असंवैधान की नीतिगत दिशा, दृष्टिकोण, मूल उद्देश्य और संवैधानिकता के संबंध में बुनियादी मुद्दों को उठाते हुए इन्हें निरस्त करने की मांग की है। हम हैरान है कि आपको बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन सरकार ने चालाकी से इन बुनियादी आपत्तियों को महज कुछ संशोधनों की मांग के रूप में पेश करना चाहा। बार बार हम कहते थे इन्हें खारिज करो क्योंकि 1, 2, 3, 4 ये गड़बड़ी है। सरकार कहती है इन्होंने 4 संशोधन मांगे, लीजिए हम संशोधन कर देते हैं। बार बार ये चालाकी सरकार ने की। हमारी कई दौर की वार्ता के दौरान सरकार को स्पष्ट रूप से बताया गया कि ऐसे संशोधन हमें स्वीकार नहीं है। 5 दिसंबर 2020 को सरकार के संशोधन के मौखिक प्रस्ताव को खारिज करते के बाद हमें बताया गया कि सरकार के साथ चर्चा के बाद कि ऊपर के साथ चर्चा के बाद ठोस प्रस्तावों को हमारे साथ साझा किया जाएगा। आज तक हमें इस तरह के ठोस प्रस्ताव मिले नहीं है। 5 तारीख को जब मीटिंग हुई थी सरकार ने किया था उसका एक तरह का प्रस्ताव दिए थे, लेकिन वो प्रस्ताव जब आए तो प्रस्ताव पे विचार करके हमने देखा और वहीं पे सरकार को बता दिया था 5 तारीख को कि नहीं ये तो हमें, आप संशोधन की बात क्यों कर रहे हो, हमें तो संशोधन मंजूर नहीं है। लेकिन सरकार उसके बाद जारी रही, सरकार ने अपनी बातों को वापस रखा। तो उसके बारे में 5 दिसंबर 2020 को सरकार के संशोधन के मौखिक प्रस्ताव खारिज करने के बाद हमें बताया गया था कि सरकार के साथ ऊपर चर्चा के बाद ठोस प्रस्तावों को हमारे साथ साझा किया जाएगा। ऊपर का मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए, अगर मंत्री कहें ऊपर मतलब साफ है प्रधानमंत्री और कैबिनेट से चर्चा करनी है, तो ठोस प्रस्ताव को हमारे साथ साझा किया जाएगा ये वादा किया था। हमें आज तक इस तरह के कोई नए ठोस प्रस्ताव नहीं मिले। आप जानते हैं कि आपने 9 दिसंबर 2020 को जो लिखित प्रस्ताव भेजे थे वो 5 दिसंबर की वार्ता में दिए गए उन मौखिक प्रस्तावों का दोहराव भर है जिन्हें हम पहले ही खारिज कर चुके हैं। 5 दिसंबर को हमने साफ कहा था कि भाई संशोधन और ये सब बातें ना करो, हमें रिपील चाहिए। सरकार ने कहा अच्छा रिपील चाहिए, फिर तो हमें ऊपर बात करनी पड़ेगी, उसके बाद हम प्रस्ताव लाएंगे। हमने कहा ठीक है, लेकिन 9 दिसंबर को जो लेके आए एग्जैक्टली वही चीज लेके आए। तो हमने कहा कि ये तो सिर्फ उसका दोहराव भर है जिन्हें हम पहले ही खारिज कर चुके हैं। आप यह भी जानते हैं कि आपके प्रस्ताव में अनिवार्य वस्तु संशोधन कानून का जिक्र भी नहीं है। ये जो ईसी अमेंडमेंट एक्ट है उसके बारे में एक भी प्रस्ताव नहीं था, वो अडानी जी वाला मामला है, वहां पर कुछ सरकार संशोधन भी देने को तैयार नहीं है। हम फिर साफ कर दें कि हम इन कानूनों में संशोधन की मांग नहीं कर रहे, बल्कि इन्हें पूरी तरह से निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। सरकार के साथ बार बार इस बात को दोहराना पड़ता है क्योंकि वो हर बार को घुमा के करने को तैयार है। चौथा पॉइंट है इन तीनों कानूनों के अलावा, तीन का तो हमने कह दिया इसको निरस्त करना है और आप इसमें अमेंडमेंट की बातें मत करो, वो चर्चा ही आप हमारे साथ मत करो। इन तीनों कानूनों के अलावा आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जो प्रस्ताव भेजा है उसमें ऐसा कोई भी स्पष्ट प्रस्ताव ही नहीं है जिसका जवाब दिया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य पे आप, सरकार क्या कहती है, वर्तमान खरीद प्रणाली से संबंधित लिखित आश्वासन का प्रस्ताव रख रहे हैं, जबकि किसान संगठन राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिश के मुताबिक, यानी कि स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश के मुताबिक, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर
सभी फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। जब आप ऐसे कानून का ड्राफ्ट भेजेंगे तो हम बिना विलंब उसका विस्तृत जवाब देंगे। सरकार कहती है पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दो। कहते हैं बिल्कुल, आप इसका ड्राफ्ट बना के भेजो, इस कानून का एमएसपी का कानून का ड्राफ्ट बना के भेजो, हम बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट उसका जवाब देंगे, आप भेजो तो सही। पांचवा, इसी तरह विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक जो बिजली वाला ड्राफ्ट है, इसके ड्राफ्ट पर आपका प्रस्ताव अस्पष्ट है और बिजली बिल भुगतान तक सीमित है। जब तक आप इस ड्राफ्ट में क्रॉस सब्सिडी को बंद करने के प्रावधान के बारे में अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं करते, तब तक इसका जवाब देना निरर्थक है। बिजली बिल में सरकार ने कहा है क्रॉस सब्सिडी। क्रॉस सब्सिडी का मतलब आज की तारीख में इंडस्ट्री से ज्यादा दिया जाता है, कंज्यूमर से कम और एग्रीकल्चर से और भी कम। बिजली बिल कहता है क्रॉस सब्सिडी बंद करो, यानी कि कृषि को सस्ता देना बंद करो, लेकिन आश्वासन देते हैं कि किसान के बिल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं भैया, या तो आप साफ साफ कहो कि क्रॉस सब्सिडी का प्रोविजन आप हटाना चाहते हो, उसे बंद करने का, नहीं तो इस तरह का वायदा क्यों कर रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं, निरर्थक है। तो बिल्कुल ही बात। वायु गुणवत्ता अधिनियम जो कि पराली जलाने के बारे में था, उस पर उचित प्रतिक्रिया का आश्वासन। सरकार ने क्या कहा था, हम इस पर उचित प्रतिक्रिया देंगे। भाई उचित प्रतिक्रिया क्या होती है, साफ बताओ ना आप क्या कहोगे। वायु गुणवत्ता अधिनियम पर उचित प्रतिक्रिया का आश्वासन इतना खोखला है कि उसका जवाब देना हास्यास्पद होगा। जवाब ही क्या दिया जाए, अगर कोई कहे मैंने आपको जवाब दे दिया, जवाब क्या है कि मैं आपको उचित जवाब दूंगा, इसका क्या जवाब देंगे हम, इसका तो कोई जवाब देना हास्यास्पद होगा। तो आखिर में कंसोलिडेट करके कपड़ा छान निचोड़ आखिरी पैरा में है, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रदर्शनकारी किसान और किसान संगठन सरकार से वार्ता के लिए तैयार हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब खुले मन, खुले दिमाग और साफ नीयत से इस वार्ता को आगे बढ़ाए। खुले मन, खुले दिमाग और साफ नीयत से इस वार्ता को सरकार कब आगे बढ़ाएगी। आपसे आग्रह है कि आप निरर्थक संशोधनों के खारिज प्रस्तावों को दोहराने की बजाय निरर्थक संशोधन, जिस संशोधनों का कोई मतलब नहीं, उनका जो प्रस्ताव हम खारिज कर चुके हैं उसको बार बार दोहराइए। निरर्थक संशोधनों के खारिज प्रस्तावों को दोहराने की बजाय कोई ठोस प्रस्ताव लिखित रूप में भेजें, ताकि उसे एजेंडा बनाकर जल्द से जल्द वार्ता के सिलसिले को दोबारा शुरू किया जा सके। मतलब क्या, किसान वार्ता चाहते हैं। भाई हम दिल्ली में सड़क पे बैठने के लिए नहीं आए, यहाँ कुतुब मीनार देखने के लिए नहीं आए, किसान वार्ता करने के लिए आया, सरकार से वार्ता करने के लिए आया। हम वार्ता चाहते हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई ठोस प्रपोजल तो आए। जो आया वो तो ठोस था नहीं, संशोधन का प्रपोजल था। रिपील क्या होना चाहिए, रिपील कैसे करना चाहती है सरकार, इसका प्रपोजल लेके आए। एमएसपी का लीगल राइट कैसे दिया जाएगा, इसके 50 तरीके हो सकते हैं। सरकार कोई प्रपोजल लेके आए, हम बातचीत करेंगे, खुले मन से करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देंगे, खुल के बात करेंगे। रिपील करने के भी एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। सरकार लेके आए, रिपील करने का क्या तरीका हो सकता है, उस पर चर्चा होगी। ठोस प्रस्ताव लेके आइए, फिर बात होगी। बातचीत हम करना चाहते हैं, उसके लिए तैयार हैं। किसान वार्ता से हट नहीं रहा है, किसान तो पंजाब से भी आया था वार्ता करने के लिए, लेकिन वार्ता करने का मतलब होगा कोई ठोस प्रस्ताव आए लिखित रूप, उसके बाद वार्ता करेंगे, निश्चित करेंगे, और मुझे उम्मीद है वो रास्ता निकलेगा। मैंने सोचा कल आप अखबार में इसका छोटा सा कोई टुकड़ा पढ़ो, आधा टुकड़ा, उसका ये मतलब वो मतलब, उसकी बजाय आपको एग्जैक्ट बता दें कि क्या हमने लिखा है, क्या जवाब है। संघर्ष जारी रहेगा, मीटिंग के अंदर तय हुआ है कि हम इस संघर्ष को अब देशव्यापी बना रहे, पूरे देश से खबरें आ रही हैं जुड़ने की। आज मुझे कर्नाटका के साथियों से खबर आई कि कर्नाटका के साथी हमारे शाहजहांपुर में कल पहुंच रहे हैं, महाराष्ट्र के वो साथी जिन्होंने बंबई के अंदर वो शानदार मार्च निकाला था, वहीं नासिक के वो साथी हमारे शाहजहांपुर में पहुंच रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। अलग अलग इलाकों से किसान और किसान संगठन, उनके प्रतिनिधि आने शुरू हो रहे हैं। ये राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ेगा,
बार बार लोग पूछते हैं कि जी आप हिल नहीं रहे, आप जिद कर रहे हैं, आप अड़ रहे हैं। मैं एक बात कहता हूं बार बार, आप याद रखिए, मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूं। आप हाथ जोड़ के कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए, आप अड़ियल हुए क्या, या कि अड़ियल मैं हुआ जो कह रहा हूं कि नहीं नहीं तुम्हें मेरा गिफ्ट लेना ही पड़ेगा। इस बात पे आप सोचिए, आप नमन कीजिए। अगले दो दिन मैं किसान आंदोलन के बीच में आ नहीं सकूंगा, हालांकि आपको अपडेट करता रहूंगा, क्योंकि कल का दिन है परिवार समाज के लोगों के साथ मिलने का, बैठने का, लोग आएंगे। और परसों पिताजी की स्मृति में एक शोक सभा कर रहे हैं, एक स्मृति सभा, शोक से भी ज्यादा उनकी स्मृति को याद रखने के लिए। जिंदगी में उन्होंने कभी कोई कर्मकांड किए नहीं, तो वो कोई कर्मकांड तो हमें करना है, पर उनकी एक स्मृति सभा करेंगे परसों। तो कल परसों मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड से तो फीड नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फोन आते रहेंगे, बातचीत चलती रहेगी। आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने अपने तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए, बाकी सब काम चलता रहेगा, लेकिन आंदोलन, ये ऐतिहासिक आंदोलन आगे बढ़ेगा। जाते जाते एक छोटी सी बात बता दूं, अभी हम सिंगो बॉर्डर से यहाँ आ रहे थे तो अचानक एक पुलिस वाला रस्ते में मिला, यादव जी शीशा डाउन करवाया, बाकी सब बातें की। भाई साहब एक बात सुन लो, लाठी चलवाएंगे ना, हम अपने किसान भाई पे लाठी नहीं चलाएंगे, इन लोगों पे लाठी, अफसरों की तरफ इशारा करके बोला, हम इन लोगों पे लाठी चलाएंगे। ना भाई, अफसरों पे लाठी मत चलाना, लेकिन ये जो पुलिस भी है ये भी किसान के बच्चे हैं, हमारे साथी, हम बार बार कहते हैं ये भी किसान परिवार वाला है। इस आंदोलन के लिए कितनी गहरी सहानुभूति समाज में, इसका एक छोटा सा नमूना। बहुत बहुत शुक्रिया।